हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। यू आर वंस अगेन मोस्ट वेलकम इन अवर चैनल केमिकल गुरु। डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग दिस चैनल केमिकल गुरु। ऑन दिस चैनल वी आर टीचिंग द केमिस्ट्री फॉर क्लास 11th एंड 12th एंड फॉर हायर लेवल्स एंड द कंप्लीट साइंस दैट्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फॉर क्लास 9th एंड 10th। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 दैट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज गोइंग ऑन। तो इस चैप्टर नंबर 3 के हमने 3 लेक्चर अपलोड कर दिए थे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। ये आपने नहीं देखे तो पहले इनको देख लीजिए। और फिर हमने चैप्टर 3 में एक एटम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर जैसे 2 है, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख लीजिए, वहाँ क्वेश्चन मिल जाएगा। विच पोस्टुलेट ऑफ, अगर नहीं एनसीईआरटी बुक है तो आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये था कि विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में अगर आप देखेंगे, डाल्टन्स की जो सेकंड, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो सेकंड पोस्टुलेट था, एटम्स आर द इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो इसमें यही पूछा गया, कौन सा पोस्टुलेट है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करता है। तो आप बता देंगे पोस्टुलेट नंबर 2, बस यही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कौन सा पोस्टुलेट एक्सप्लेन करता है। अगर आप डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पिछला 3 लेक्चर देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक लास्ट पोस्टुलेट था, 6th था, कि रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। किसी कंपाउंड में जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और काइंड्स ऑफ एटम्स होते हैं, दे आर द कॉन्स्टेंट। तो दिस इज द ये पोस्टुलेट नंबर 6, और यही आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है। ओके, सो बाय द वे, अब हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 में एटम्स और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस देखें क्या है। सो दैट मींस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स। तो ठीक है, देख लेते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। एटम, वैसे इसमें थ्योरी में ऑलरेडी बता चुका हूं, एटम मैंने कहा है कि एन एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, इट इज कॉल्ड द एटम। तो अब देखो, एटम के बाद फिर हमने देखा कि अब एटम, सबसे पहले एटम की अगर हम बात करें तो इसके साइज की बात करते हैं। तो एटम जो हाइड्रोजन एटम है ना, सबसे स्मॉलेस्ट साइज, तो हाइड्रोजन एटम का जो साइज है वो सबसे स्मॉलेस्ट साइज होता है, वेरी वेरी स्मॉलेस्ट। और यहाँ तक कि अगर हम देखें, अब एटम की जब मैंने, अब सिंबल की बात कर लेता हूँ, ठीक है, एटम में अगर मैं देखूँ, एटम ये तो हो गया एटम्स, और एटम के सिंबल की अगर मैं बात करूँ तो सिंबल कैसा होता है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट जो अभी हमने डाल्टन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जॉन डाल्टन ने ही सबसे पहले एटम के सिंबल्स दिए थे, राइट। एटम के सिंबल्स, क्या क्या सिंबल्स दिए थे कुछ हम बताते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए इन्होंने एक सिंबल दिया था, एक आप सर्कल बना के बीच में इस तरह से एक पॉइंट रख दीजिए, ये इन्होंने का हाइड्रोजन का सिंबल था, ठीक है। इसके बाद कार्बन का उन्होंने एक सिंबल दिया था, पूरा आप सर्कल बना दीजिए और इसको आप ब्लैक 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 कर दीजिए, पूरा इस तरह से स्फीयर टाइप का बना दीजिए। तो दिस इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, ये सॉरी कार्बन, ये कार्बन का सिंबल था। तो इस तरह से उन्होंने और भी बहुत सारे सिंबल्स दिए थे। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो केवल एक बस सर्कल बना दीजिए, ये ऑक्सीजन का सिंबल था। अलग अलग इस तरह से उन्होंने कुछ सिंबल्स दिए थे। इसी तरह गोल्ड के अगर सिंबल की बात करें, वैसे गोल्ड का, अच्छा सॉरी, ये तो मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लिखना चाहिए था, ये मैंने लिखा है हाइड्रोजन, ये था हाइड्रोजन, और दिस इज द कार्बन, ये एलिमेंट्स के सिंबल थे, दिस इज द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड द गोल्ड, और गोल्ड का सिंबल क्या था, ये था, इस तरह बना के, और इस तरह ये सर्कल में इस तरह से बनाते जाइए, और बीच में उन्होंने सिंबल एक जी बना दिया, दिस इज द सिंबल ऑफ गोल्ड। तो सिंबल तो उन्होंने दिए थे, बट दे आर सम डिफिकल्ट, आप कैसे इसको लर्न करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इनके सिंबल ज़्यादा समय तक तो नहीं चले। बाद में एक साइंटिस्ट थे, एक बर्जीलियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने सिंबल दिए थे, जो मैं बता देता हूँ,
ये थे आपके जे जे बर्जीलियस, ठीक है। इन्होंने मॉडर्न सिंबल दिए थे, ये ओल्ड सिंबल है, मॉडर्न सिंबल जे जे बर्जीलियस, साइंटिस्ट थे जे जे बर्जीलियस। तो जे जे बर्जीलियस ने किया, इन्होंने कहा, इन्होंने बताया, इनका कॉन्सेप्ट ये था कि हाइड्रोजन या जो भी एलिमेंट है, एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर्स को ही उसका सिंबल बना दीजिए, राइट। जैसे हाइड्रोजन नाम दिया, ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो उन्होंने ये कहा कि जो हाइड्रोजन है ना, इसका सिंबल आप लिख दीजिए एच। मीन्स जो भी एलिमेंट है, एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर है उसी को उसका सिंबल बनाइए। ये सिंपल भी हो गया, आसान भी हो गया। हाइड्रोजन की बात जैसे मैं कहूं जाए कि हीलियम, राइट। अब हीलियम है तो हीलियम की ये फर्स्ट टू लेटर लेकर के एच ही बना दिया। कार्बन, तो कार्बन का पहला लेटर क्या, सी है, तो उसी के अकॉर्डिंग इनके सिंबल्स डिसाइड कर दिए गए। बट लेटर ऑन अगर हम बाद की बात करें, कुछ ऐसे भी सिंबल थे जो उनके नेम से नहीं थे, थे तो उनके नेम से, एक्चुअली कुछ एलिमेंट ऐसे भी थे जिनके कुछ लैटिन नेम्स थे, तो उनके लैटिन नेम से भी सिंबल वहां से दे दिए गए। अगर हम लैटिन नेम की बात करें तो जैसे कि एक दो लेते हैं, सोडियम, राइट। अगर हम देखें सोडियम, सोडियम का सिंबल होना चाहिए था एस, एस होना चाहिए था, बट इसका सिंबल एक्चुअली क्या होता आप जानते हैं, इट्स सिंबल इज एन ए। सोडियम का सिंबल एन ए होता, ये एन ए क्यों हुआ, बिकॉज सोडियम का जो लैटिन नेम है दैट इज नेट्रियम, इसका जो लैटिन नेम है वो नेट्रियम है, तो नेट्रियम से यहां पर एन ए ले लिया गया। इसी तरह से और भी एलिमेंट, अगर हम बात करें गोल्ड की, गोल्ड का सिंबल जी होना चाहिए था, लेकिन जी ना होकर क्या होता है गोल्ड का सिंबल, गोल्ड का सिंबल यू होता है, क्योंकि इसका जो लैटिन नेम था वो था ओरम। इसी तरह से अगर हम बात करें लेड, लेड का सिंबल एल होना चाहिए, लेकिन लेड का सिंबल होता है पीवी, बिकॉज उसका लैटिन नेम प्लम्बम। तो कुछ एलिमेंट्स थे जिनके लैटिन नेम के अकॉर्डिंग दे दिए, बट जितने भी एलिमेंट्स हैं मोस्टली एलिमेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनके सिंबल जो है उन एलिमेंट के नेम के फर्स्ट लेटर से डिसाइड होता है। अब यहां बात आती है कि एटम को देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप है, उसको बता दें, जिसका नाम है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। इसका नेम होता है स्कैनिंग टनलिंग, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, और इसको शॉर्ट में हम एसटीएम बोलते हैं, एसटीएम, राइट। तो स्कैनिंग टनलिंग एक माइक्रोस्कोप होता है, इसकी हेल्प से हम एलिमेंट्स उनके एटम्स को देख सकते हैं, ठीक है, मतलब क्लियरली आपको एटम दिखाई दे सकता है। तो काफ़ी फाइन माइक्रोस्कोप होता है, इसके द्वारा हम इसको देख सकते हैं। इसी से लोगों ने इसको देखा, साइंटिस्टों ने इसको देखा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैसे मैंने मॉडर्न सिंबल देख लिया, अब हम बात करेंगे कि एक टर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, राइट। इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है, एटॉमिक मास यूनिट, व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो इसको मैं डिफाइन करता हूँ, वन एटॉमिक मास यूनिट, वन एटॉमिक मास यूनिट इज द मास यूनिट, वन एटॉमिक मास यूनिट इज द मास यूनिट इक्वल टू मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 का जितना मास होता है, यानी कि एज ए रेफरेंस के रूप में कंसीडर कर लिया गया, C12 को एज ए रेफरेंस के रूप में कंसीडर कर लिया गया कि C12 का जितना मास है उसी को वन एटॉमिक मास यूनिट बोल देते हैं। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन भी है, वो भी आपको यहां से मिल जाएगा। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, और एनसीईआरटी का पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, पेज नंबर देखेंगे 35 पे, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है
उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है कि डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, तो उसकी डेफिनेशन आप यहीं से ही लिख सकते हैं। दूसरा एक और क्वेश्चन है, व्हाई इज नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेक्ड आइज, हम एटम को नेक्ड आइज से क्यों नहीं देख सकते, क्यों हमें एसटीएम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, सीधी सी बात है। इसका आंसर आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ, बिकॉज एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स और एंड इट्स एटॉमिक रेडियस इज, इसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो 10^-10 meters, एटॉमिक्स जो इसकी एटॉमिक रेडियस होती है किसकी, एटम की, एटम की एटॉमिक रेडियस 10^-10 meters मींस बहुत ज़्यादा छोटे एटम्स होते हैं, इसलिए हम इनको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, बट वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है, एसटीएम, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। अब देखो इसके बाद ये तो हो गया एटम, अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स, दे मे बी सेम और डिफरेंट, सेम टाइप्स के एटम्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हो सकते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स, राइट, द एटम्स मे बी सेम और डिफरेंट, दे आर कॉल्ड द मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर मैं कहूँ एच प्लस एच, क्या बना दिया, एच टू बनाया, तो एच टू इज ए मॉलिक्यूल, ओके, टू एटम्स मिलकर के बना हुआ है। इसी तरह देखो एन प्लस, अगर हम 3H इसमें ऐड कर लें तो बना आपका NH3, तो अमोनिया क्या है, अमोनिया एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल क्या होता है कि एटम्स का एक ग्रुप होता है, ओके। तो यहां मैं थोड़ी सी बात करूंगा, एक टर्म आता है एटॉमिसिटी, राइट, एटॉमिसिटी क्या है, इसका एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, आप चाहे तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, इन ए मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, इसी को हम लोग बोल देते हैं एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, राइट। तो कुछ एग्जांपल्स मैं लेता हूं और आप आराम से इसकी एटॉमिसिटी बता सकते हैं, ठीक है, चलो मैंने यहां से ले लिया है क्लोरीन, राइट, Cl2, और यहां से मैंने ले लिया है H2, NH3, तो इसको आपको एटॉमिसिटी बतानी है कितनी होगी, क्लोरीन की एटॉमिसिटी कितनी होगी बोलिए, 2, H2 की 2, और अमोनिया कितनी होगी 4, राइट, एटॉमिसिटी है ना, जितने भी आपके एटम्स प्रेजेंट हों, जैसे मैं चलो बात कर रहा हूँ फास्फोरस, ओजोन, और हम ले लें यहाँ से CH4, ठीक है, इनकी एटॉमिसिटी कितनी होगी बता सकते हैं, P4, 4 एटम्स मिलकर बना है, एटॉमिसिटी 4 होगी, इसकी 3 होगी, इसकी कितनी 5 होगी, जितने भी एटम्स मिलकर के कोई भी मॉलिक्यूल बनता है दैट इज कॉल्ड द एटॉमिसिटी। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता तो यू कैन राइट डेफिनेटली इन द कमेंट बॉक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, बी कंटिन्यू ऑन अवर चैनल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।